में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने लैपटॉप में कैडी और एसएसडी कैसे इंस्टॉल करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इंस्टॉल करते वक्त। तो ये वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा डिटेल के साथ। और कैडी का और एसएसडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप जानना चाहते हैं कि लैपटॉप कैसे ओपन करना है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना के डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मैं दोनों को कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि कैडी और आपका डीवीडी रोम कितना डिफरेंस आता है, कितना सेम है। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट चारों तरफ से सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने एसएसडी लिया है वो मैंने किंगस्टन के लिए 240 GB, जो मेरे को 2800 की पड़ी फ्लिपकार्ट से। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से अनरैप कर लेता हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको जब इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आई थी इसलिए मैंने वीडियो बना के अपलोड किया ताकि जो प्रॉब्लम्स मुझे आई वो आपको ना फेस करनी पड़े। साइज़ देखिए काफ़ी स्लीक है, काफ़ी लाइट वेट है। और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क के साथ, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ पहले। देखिए इसका भी जो विड्थ और हाइट है वो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और आगे पीछे से भी बिल्कुल सेम है। और अगर हम इसके कनेक्टर देखेंगे, आप कनेक्टर देखिए वीडियो में, ये भी एग्जैक्टली सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप अपने हार्ड डिस्क को कैडी के अंदर फिट करेंगे तो आपको दिक्कत ये आएगी कि आपको पहले इसका प्रोटेक्टिव कवर निकालना पड़ेगा, तभी आप अपने हार्ड डिस्क को कैडी के अंदर लगा पाएंगे। और इसको निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने हार्ड डिस्क को प्रेस नहीं करना, अदरवाइज़ वो फिज़िकली डैमेज हो सकती है। तो जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हार्ड डिस्क के होल होते हैं उनके अंदर ये फिट होते हैं, तो आपको ये केयरफुली निकालना है ताकि आपकी हार्ड डिस्क भी डैमेज ना हो और इसको आप कवर को अलग कर पाएँ। तो जब आप कवर को अलग कर लेंगे, तो कवर को अलग करने के बाद ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं ये आपके इन होल्स में चले जाते हैं। तो मैं इसको अब आपको कैडी में लगा के दिखाता हूँ, इजीली आप कैडी में लगा पाएंगे जब उसको हटा देंगे आप। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको रोक लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने एसएसडी को कैसे फिट करेंगे इस प्रोटेक्टिव कवर के साथ, वही सेम डॉट आपके उन होल्स में चले जाएंगे और इजीली फिट हो जाएगा। बस आपको केयरफुली ये सब लगाना है, और जब आप उसको लगा लेंगे इसको वापस इंसर्ट कर लीजिएगा। और इंसर्ट करने के बाद जो आपके पुराने डीवीडी रोम है उसका जो ये फ्रेम है इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा। इसको भी फ्रेम को निकालते वक्त मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, मुझे काफ़ी फोर्स लगाना पड़ा उसको निकालने के लिए, और कुछ टूटने की भी आवाज़ आई थी, जिसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। और ये जो उसके फ्रेम के जो वो खांचे बने हुए हैं ये आपको उसी तरह से उसके अंदर फिट करना है, ध्यान से देखिएगा। तो जब मैं इसको फिट कर रहा था तो ये प्रॉपरली फिट भी नहीं हो पा रही थी। प्रॉब्लम कैडी के अंदर नहीं थी, प्रॉब्लम इस फ्रेम के अंदर थी। जब मैं इसको निकाला था तो शायद कुछ टूट गया था, तो वो प्रॉब्लम आपको ना आए इसलिए आपको ध्यान रखना है जब आप इसको निकालेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये लूज़ हो गया है, तो ये इशू इसका ही है, फ्रेम का, ये कैडी का नहीं है। कैडी तो अपनी जगह ठीक है, बस इसके जो पिन होते हैं वो पिन उसमें से कोई ब्रेक हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ी लूज़ हो रही है। तो अगर मैं आपको इसको फ्रेम को इसमें सेट कर लेता हूँ, और सेट करने के बाद मैं इसका कवर लगा लेता हूँ लैपटॉप का। तो लैपटॉप का कवर मैंने सेट कर लिया है और अब मैं इस कैडी को इंसर्ट करूँगा इसके अंदर ताकि हम चेक कर पाएँ कि हमारा ये बूट पकड़ता नहीं पकड़ता। तो जब मैं इसको लगा रहा था गाइस, तो तब भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए मैं जब इसको अंदर इसको इंसर्ट कर रहा था तब भी ये नहीं जा रहा था, यहाँ पे अटक रहा था। तो वो चेक करने के लिए मैंने पुरानी अपनी डीवीडी रोम ली, और जब मैं इसको डालने लगा था वो बहुत इजीली और स्मूथली प्लग और अनप्लग हो रहा था, लेकिन ये नहीं हो रहा था। तो चेक करने के लिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ वीडियो में, तो आप देखेंगे कि सब तरह से कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ से बिल्कुल बराबर साइज़ है। बट ये जो चीज़ है ना, ये पार्ट इसका, ये मुझे निकाल के इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये मैं इसको निकाल लेता हूँ जल्दी से, और इसको मैं इसके अंदर सेट कर लेता हूँ। तो वही सेम स्क्रू आप उसका यूज़ कर लेंगे इसके अंदर, या इजीली फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सब लगाने के बाद आप, मैं इसको फिर से ट्राई करता हूँ, लेकिन जब मैंने फिर से कोशिश की तब भी ये नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस कवर को फिर से निकालता हूँ, और कवर को निकालने के बाद इस कैडी को फिर से इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। तो जब मैंने चेक किया गाइस, तो मुझे जो पता चला कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है वो एग्जैक्टली कवर में थी। ये जो आप इसके अंदर टेफ्लोन देख रहे हैं ना,
ये एक्चुअली इसमें स्मूथली नहीं जा रहा था, वो शायद पन्नी की वजह से अड़ रहा था, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो मैंने काफ़ी फोर्स लगा के इसको अंदर अंदर काफ़ी सेट किया, और फिर उसके बाद मैंने इसको कवर में लगाने के साथ ही इसको लैपटॉप में फिट करने की कोशिश की, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मैंने इसको फिट कर लिया था और ये कनेक्ट हो गई थी। अब मैं इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ, तो हम ऑन करके चेक करते हैं गाइस कि ये SSD को डिटेक्ट करता है नहीं करता। अब जैसे मैंने लो ऑन किया है तो ये इसके बाद बूट नहीं पकड़ रहा, क्योंकि प्राइमरी ड्राइव में मैंने SSD को कनेक्ट किया हुआ है और सेकेंडरी में मैंने हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया है। तो मैं इसको एक बार, हमें बायोस में जाना पड़ेगा, बायोस में जाने के लिए आपको इस तरह से उसको ऑन करना पड़ेगा। मेरे पास लेनोवो आइडिया पैड लैपटॉप है, और बायोस में जाने के बाद आपको जाना है बूट मेन्यू के अंदर। आप एरो कीज़ का यूज़ करके बूट मेन्यू में जाइएगा और एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बूट ऑप्शन आपको मिल रहे हैं वो आपको एक ही मिल रहा है, और वो है आपकी हार्ड डिस्क WDC। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको सेलेक्ट करके ऑन करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो जब मैंने इसको ऑन किया गाइस, तो सीरियसली कम से कम 10 से 15 मिनट इसने लिए, क्योंकि जब हम हार्डवेयर चेंज करते हैं तो काफ़ी टाइम लेता है बूट अप होने के लिए। तो इसने कम 10 से 15 मिनट लिए, और काफ़ी टाइम लिया था, तो वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया और मैं सीधा फिर लोडिंग स्क्रीन में चला गया, जहाँ पर इसने विंडो को लोड किया। और विंडो को लोड करते वक्त भी इसने काफ़ी टाइम लिया था, और देख रहे होंगे स्क्रीन पर आप, अभी इसमें टाइम लगेगा। और ये देखिए यहाँ पर ये विंडो लोड हो गई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपना पासवर्ड डाल के। पासवर्ड डाल के मैंने ये लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन आती है, यहाँ पर भी ये काफ़ी टाइम लेगा और लोड होने में ये काफ़ी टाइम लेता है, क्योंकि आपने हार्डवेयर चेंज किया है तो उसके लिए जो आप कैश मेमोरी होती है, जो आपकी बफर मेमोरी होती है, वो सब रीसेट हो जाती है, और उसको फिर से वो वापस करने के लिए टाइम लेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ माय कंप्यूटर में जाके, जो सारी ड्राइव देख रहे हैं आप, ये अभी भी मेरी हार्ड डिस्क की ड्राइव है, जैसा कि मैंने वहाँ पे बूट में जाके सेलेक्ट किया था। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से बूट में जाना है, और बूट में जाके मैं अपने SSD को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा बूट में जाके, ताकि जब आपका बूट हो और आप उसके अंदर विंडो इंस्टॉल कर पाएँ। तो यहाँ से आप फिर से बूट में जाएंगे, बूट में जाने के बाद आपको इस बार नॉर्मल स्टार्टअप में जाना है। स्टार्टअप में जाने के बाद बूट वाले सेक्शन में आइएगा, और फर्स्ट आप देख रहे होंगे कि लैपटॉप हार्ड डिस्क है WDC, और जो दूसरी है किंगस्टन, वो आपकी SSD है। तो हमें इसको चेंज करना है, SSD को मैं फर्स्ट कर दूंगा, और जो लैपटॉप की जो मेरी हार्ड डिस्क है उसको मैं सेकेंड कर दूंगा। और उसके बाद आप इसको F10 की प्रेस करके सेव कर लेंगे और एग्ज़िट कर लेंगे। और उससे पहले आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है, जिसके अंदर आप विंडो इंस्टॉल करेंगे। मैंने विंडो इंस्टॉल कर ली है, और विंडो इंस्टॉल करने के बाद मैंने आपको ये स्क्रीन दिखाई है, कैसे इंस्टॉल करनी है उसके लिए भी मैंने वीडियो अलग से बनाया, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया लिंक, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास BSOD एरर आ रहा था, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर, ये इसलिए आ रहा था क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर भी विंडोज़ है, और जो मैंने SSD के अंदर विंडो इंस्टॉल करी, दोनों के अंदर है, तो वो दोनों की वजह से ये ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा था। हो सकता है आपके में ना आए, लेकिन अगर आता है तो आपको ये कैसे ठीक करेंगे आप? आपको क्या करना है, आप अपने जो हार्ड डिस्क है उसके सी ड्राइव को फॉर्मेट करना है। देखिए, फॉर्मेट करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है उसके सी ड्राइव को फॉर्मेट कर लिया, और जो बाकी मेरी सी और डी ड्राइव है, ये मेरे SSD हैं। विंडो इंस्टॉल हो चुकी है सी ड्राइव के अंदर, और जो मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है अपने SSD के अंदर, ताकि मैं उसको फॉर्मेट करूँ बाद में तो दिक्कत ना हो। यहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगा, देखिए सी और डी ड्राइव ये मेरी SSD की हैं, और बाकी की जो डी ड्राइव EFG ड्राइव है वो आपके हार्ड डिस्क की ड्राइव है। अब एट लास्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना डिफरेंस आता है SSD लगाने के बाद। जब आप SSD लगा लेंगे गाइस, सीरियसली इतना फास्ट हो जाता है इसका बूट अप, और आप शट डाउन करेंगे 6 सेकंड में बूट हो जाती है, लगभग जैसे आप TV ऑन करते हैं, बिल्कुल इतना फास्ट चलेगा। आपको रियली में ऐसा बहुत अच्छा फील होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। देखिए मैंने कितने जल्दी इसको ऑन कर लिया, और अगर मैं जब इसको शट डाउन करूँगा तब आप काउंट कीजिएगा, लगभग 7 सेकेंड में ये शट डाउन हो जाती है। और सी और डी ड्राइव ये मेरे SSD की है, बाकी की जो डी ड्राइव है, बाकी की जो ड्राइव है वो मेरे
हार्ड डिस्क की हैं, तो आप डेटा कैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर से उधर, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका ब्लू स्क्रीन एरर भी नहीं आएगा। अब मैं आपको उसको शट डाउन करके दिखाता हूँ। आप टाइम को काउंट कीजिएगा कितने सेकंड लगते हैं, और लगभग 7 से 8 सेकंड के अंदर ये बंद हो जाती है। काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स है। अगर गाइज मेरी वीडियो कहीं से भी आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.